नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आपने कोरोना वायरस की डबल म्यूटेंट के बारे में जरूर सुना होगा। सवाल ये है कि क्यों आजकल वायरस के डबल म्यूटेंट की इतनी चर्चा है? क्या है ये डबल म्यूटेंट? क्या कोरोना की इस दूसरी लहर के लिए वायरस का ये रूप, ये स्वरूप जिम्मेदार है? ये इतना खतरनाक क्यों है? क्या देश में दी जा रही मौजूदा वैक्सीन इस पर उतनी ही कारगर होगी, उतनी ही असर करेगी? इस खतरनाक डबल म्यूटेंट से हमें और आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है? अपने दो बेहद खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे देश देशांतर के इस अंक में। आपसे मैं उनका परिचय करवा दूं। डॉक्टर प्रज्ञा डी यादव हैं हमारे साथ। आप साइंटिस्ट ई हैं, साथ ही आप इंचार्ज हैं मैक्सिमम कंटेनमेंट लेबोरेटरी ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। आप पुणे से हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। साथ ही प्रोफेसर शैलेंद्र के सक्सेना हैं, आप प्रोफेसर हैं, साथ ही हेड हैं सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आप दोनों का बहुत स्वागत संसद टीवी में। आप दोनों खास मेहमानों से चर्चा शुरू करें, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को डबल म्यूटेंट को लेकर एक ब्रीफ नोट जरूर देना चाहूंगी। डबल म्यूटेंट B1617 ने विशेषज्ञों की इस समय नींद उड़ा कर रखी है। वायरस मौजूदा स्ट्रेन N44.0K की जगह ले रहा है। ये जानकारी सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने दी है। दूसरी वेव के लिए N44.0K जिम्मेदार था, लेकिन अब इसकी जगह B1617 नाम का ये जो नया स्ट्रेन आया है उसने ली है, जैसे कि हम और आप डबल म्यूटेंट के नाम से फिलहाल पुकार रहे हैं, जो कि इस वक्त युवाओं में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसकी जो संक्रमण की रफ्तार है वो बहुत तेज है। इसके जो लक्षण दिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज्यादा सीवियर हैं। इस साल के शुरू में CCMB ने 5000 वेरिएंट का विस्तार से विश्लेषण किया और इसमें ये पाया गया कि कोरोना वायरस के जो दूसरे वेरियंट्स हैं वो पहले वाले वेरियंट की तुलना में बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं। और दक्षिण भारत में हमने देखा इसका प्रसार जो है महाराष्ट्र में भी काफी तेजी से फैला है। केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले 1.5 महीने में भारत में कोरोना केसों में जो तेजी देखी गई उसका संबंध इस नए वेरिएंट से है। हालांकि इस वेरिएंट का महामारी के तेजी में उभरने में अब तक जो पूरी तरह से साक्ष्य हैं, वो जो संबंध है वो अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर बात होने लगी है और सरकार ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया है, यानी कि ये चिंता का सबब है। तो डबल म्यूटेंट से जुड़े तमाम जो पहलू हैं, सवाल हैं आपके, आपके मन में जो कंसर्न्स हैं उनको लेकर हम बात करेंगे, समझेंगे अपने दोनों खास मेहमानों से। चर्चा में सबसे पहले मैं शामिल करना चाहूंगी डॉक्टर प्रज्ञा आपको, और मेरा पहला सवाल जो है वो ये कि आजकल वायरस का जो डबल म्यूटेंट है B1617, इसकी चर्चा इतनी क्यों है और ये क्या है? धन्यवाद अमृता जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जो आपने चर्चा की है। मैं आप लोगों का ध्यान पिछले साल के बारे में याद दिलाना चाहूंगी, जब हमारे देश में सबसे पहले केरला में केसेस हुए थे, 3 केसेस, जब हमने उसको डिटेक्ट किया था और सीक्वेंस किया था, वो हमारी कंट्री से पहले 3 सीक्वेंसेस थे जिनको हमने रिलीज किया इमिडिएटली। और उनका जो उस समय वायरस आया था वो सीधे वुहान के केसेस थे। उसके बाद से लगातार इस वायरस पे परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम लोग म्यूटेशन के नाम से बोलते हैं। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जो भी निगेटिव स्ट्रैंड वायरसेस होते हैं, जब भी वो रिप्लिकेट करते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते हैं, तो वो होस्ट जीनोम का इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये जो वायरस होते हैं इनमें प्रूफ रीडिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो हर बार गलतियां करते हैं जब उनका वायरस जो है वो रिलीज होता है एक सेल से दूसरे सेल में, और इसकी वजह से उनमें लगातार म्यूटेशन होते हैं और हम उनको वेरियंट का नाम देते हैं। जब कोरोना वायरस COVID-19 जब लास्ट ईयर शुरू हुआ था, तब से अभी काफी सारे म्यूटेशंस हुए हैं, और वो वायरस का एक नेचुरल बिहेवियर है कि वो उसको करना ही होता है। और उस म्यूटेशन को लगातार दुनिया भर में जिन लोगों के पास भी फैसिलिटी है वो मॉनिटर कर रहे हैं कि हम कैसे देख सकते हैं कि जो जीनोमिक चेंज होंगे उसमें हमें 3 चीजें देखनी होती है। पहला तो है कि ऐसा तो नहीं कि ये जो चेंज हुए हैं उससे पैथोजेनिसिटी चेंज हो जाएगी। दूसरी, एक होस्ट से दूसरे होस्ट को जो इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी, उसको इन्फेक्टिविटी बोलते हैं, वो बढ़ तो नहीं रही है, या वायरस का जो कॉपी नंबर है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और तीसरा होता है ट्रांसमिसिबिलिटी, जिसमें कि आप एक होस्ट से दूसरे होस्ट में काफ़ी तेजी से तो नहीं फैल जा रहा, जिसको आपने सुना होगा कि सुपर स्प्रेडर होते हैं, या इस तरह की जो घटनाएं हम बात करते,
उसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है जो म्यूटेशन से लिंक्ड होती है कि अगर कोई वैक्सीन ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में है और कोई ऐसा चेंज आ जाए इस वायरस में जो उस वैक्सीन को काम ना करने दे, तो वो हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को फेल कर सकती है। इन तीन चीज़ों के लिए ही ये सारी स्टडीज दुनिया भर में लोग वायरस को सीक्वेंस कर रहे हैं, और हमारे कंट्री में लास्ट ईयर सभी ने अलग अलग अपना अपना एफर्ट्स किया। ICMR में हम लोगों ने NIV से जितने भी हमारे VRDL नेटवर्क हैं उनकी सहायता लेकर के हम लगातार सीक्वेंस करते रहे, और उसका डेटा भी रिलीज हुआ GSET जो हमारा डेटा सेट है, और वो पेपर्स भी पब्लिश किए हमने टाइम टू टाइम। बट दिसंबर के आसपास दिसंबर तक हमारे देश में कोई भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसको दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक बोलते हैं वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, यदि कोई ऐसा नया म्यूटेशन हो जाए उसकी वजह से उनके ट्रांसमिसिबिलिटी, पैथोजेनिसिटी या इम्यून इसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वायरस में कोई ऐसा चेंज हो जाए, और जो ये ज़्यादातर चेंज है स्पाइक प्रोटीन में होते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा म्यूटेशंस दिखा रहा है इस वायरस के अंदर, और उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग ध्यान भी दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ और भी जीन है जिनमें म्यूटेशंस लगातार हो रहे हैं जी, तो इसको वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि अभी आपने बोला B1617, जहाँ पे हम सडनली हमने देखा कि हमारे देश में इस पर्टिकुलर वेरिएंट के से केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको हम अंडर इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अगर समय के साथ इसमें हमने देखा कि इसकी पैथोजेनिसिटी हाई हो गई है या वैक्सीन के साथ काम नहीं कर रही या ट्रांसमिसिबिलिटी हाई हो गई, अगर हम ये प्रूव कर पाते हैं तो फिर वो BUI से वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाता है। जो कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब दिसंबर में UK में सडनली बहुत सारे केसेस होने लगे और उन्होंने दुनिया भर के लोगों को अलर्ट किया, और इनिशियली वो BUI था और फिर बाद में उसको हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया। उसके थोड़े समय के बाद ही ब्राज़ील में P1 करके एक वेरिएंट आया जिसको बताया गया कि वो बहुत ही हाई पैथोजेनिसिटी कॉज कर सकता है और साथ में इम्यून स्किप कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा कंसर्न वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको माना गया है वो साउथ अफ्रीका स्ट्रेन है, जिसको B1351 का नाम दिया गया है, और उसको उसके साथ जो बहुत सारी वैक्सीन थे उन्होंने काम नहीं किया, और उसका रीज़न ऐसा था कि जो भी ज़्यादातर वैक्सीन अभी हमारे पास अवेलेबल है वो सभी वैक्सीन स्पाइक जीन के ऊपर बनाई गई है। अगर कोई उसमें चेंज इस तरह के आ जाते हैं तो उससे वैक्सीन का जो इफिकेसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो चर्चा करेंगे वैक्सीन की इफिकेसी जो डबल म्यूटेंट्स हैं, नए वेरिएंट्स हैं, उस पर कितनी है, चर्चा में मैं शामिल करना चाहूंगी प्रोफेसर शैलेंद्र आपको, और जो नया डबल म्यूटेंट है B1617 जिसको कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी कहा जा रहा है, डॉक्टर प्रज्ञा ने भी बताया कितना खतरनाक है दरअसल, क्योंकि हमने देखा कि पिछला वाला जो स्ट्रेन था N440K लोगों की हालत बिगड़ने में एक सप्ताह का तो एटलीस्ट समय लगता था, लेकिन जो नया स्ट्रेन है B1617 3 से 4 दिनों में हम देख रहे हैं कि लोगों की स्थिति जो है वो बहुत तेजी से डोरिएट हो रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से डिप कर जा रहा है, जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो तेजी से खराब हो रही है। तो इस डबल म्यूटेंट को आप कितना खतरनाक मान रहे हैं? दो सवाल जो कि अभी प्रज्ञा जी बता रही थी कि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस अभी तक हमारे पास ऐसा नहीं है जो ये बताए कि इसकी वजह से ही ब्रेथलेसनेस हो रही है या जो हालत खराब हो रही है उसका कोई क्लिनिकल कोरिलेशन हमारे पास है, लेकिन एट द सेम टाइम करीब 60% से थोड़ा ज्यादा केसेस जो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मिल रहे हैं उनमें ये वायरस पाया गया है, लेकिन ये सारा डेटा जो अभी हमारे पास अवेलेबल है आज की तारीख में जनवरी का डेटा है, और जनवरी का डेटा, फरवरी का डेटा और मार्च का डेटा में और अप्रैल के डेटा में बहुत फर्क है, क्योंकि दोनों में काफी चेंजेस एपिडेमियोलॉजिकली भी देखने को मिल रहे हैं और जो सिम्टम्स की आप बात कर रही हैं उसमें भी देखने को मिल रहे हैं। सो ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ अभी हमें नहीं पता है। दूसरी चीज, ये डेटा 5 ईयर सिक्वेंसेस जो CCMB ने किए हैं उस पर आ रहा है, जबकि हमारे देश में आज की तारीख में ऑन एन एवरेज करीब 1 लाख से ज्यादा सैंपल्स हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, और अगर इस तरह का कोई भी डेटा का एनालिसिस डायरेक्ट एविडेंस पे आना है तो कम से कम 1% ऑफ द सैंपल शुड हैव बीन सीक्वेंस्ड।
तो इसका मतलब ये हुआ कि करीब 1,000 सैंपल जब तक कि हम लोग रोज सीक्वेंस ना करें तब तक कि ये संभव नहीं होगा कि हम बहुत डायरेक्ट एविडेंसेस बता पाए। हाँ ये जरूर है कि जो केसेस पिछले 1 महीने में मिले हैं उनमें 80% से ज्यादा केसेस जो हैं वो माइल्ड हैं, 18% केसेस मॉडरेट हैं और 2% केसेस सीवियर हैं। और ये जो 2% है वो ही मीडिया में और बहुत सारी जगह आ रहे हैं, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन सारे केसेस को ऑक्सीजन की जरूरत है या सारे केसेस होम आइसोलेशन में, अभी भी बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। सो द नंबर हैज इंक्रीज बट एट द सेम टाइम द रिकवरी रेट हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज। तो ये वैसे ही है कि लेट से हमारी क्लिनिक पे अगर 10 मरीज पहले आते थे और उनमें से 2 की डेथ हो जाती थी तो हम कहते थे कि भाई हमारी मोर्टेलिटी रेट 20 है, 20% है, क्योंकि 10 में से 2 की डेथ। आज की तारीख में अगर हमारे पास 1,000 मरीज आ रहे हैं और उनमें से लेट से 50 की डेथ हो जाती है तो हमारी मोर्टेलिटी रेट तो 0.5% हुई ना। तो ये चीज बहुत समझने की है। और अगर आप वर्ल्ड वाइड डेटा देखिए तो अमेरिका में पर मिलियन पॉपुलेशन में करीब 1,850 लोगों की डेथ हो रही है, इंडिया में सिर्फ 150 ही नंबर है। तो वर्ल्ड का वन ऑफ द लोएस्ट में टॉप 10 जो हमारे कंट्रीज है जहां पे सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं अगर उसमें देखें, तो एक चीज बहुत समझने की है कि इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है जितना कि ऑल ऑफ सडन लोग होने लगे हैं कि हर आदमी जिसको सिंपल फीवर भी आ रहा है वो डे 1 से ही ऑक्सीजन के लिए दौड़ने लगता है, वो डे 1 से ही रेमडेसिविर के इंजेक्शन ढूंढने लगता है। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ये हम लोग कर रहे हैं कि ये नए म्यूटेशन आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर प्रज्ञा ने बताया कि आरएनए वायरसेस हैं और इनमें म्यूटेशंस बहुत कॉमन है, तो ये होते ही रहेंगे जैसे कि फ्लू वायरसेस में होते हैं, इन्फ्लुएंजा में होते हैं। तो इसमें कोई ये नई चीज नहीं है। आज हमारे पास डबल म्यूटेंट है, नॉर्थ इंडिया में ट्रिपल म्यूटेंट्स भी मिल रहे हैं, अभी श्रीलंका में एक म्यूटेंट मिला है जो कहते हैं कि अब तक के सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस है, एंड ऐसे बहुत सारे ये होते ही रहेंगे। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि हम लोगों को हर साल देखना होगा। जब भी अभी थर्ड वेव के लिए हम लोग अभी से ही लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर हम 18 साल तक के बच्चों को अगर हमने वैक्सीन देना शुरू किया तो ऑफ कोर्स वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज, एंड आई एम श्योर उसमें नए वेरिएंट्स मिलेंगे क्योंकि अब हमारे पास वैक्सीन स्ट्रेन्स के साथ साथ इसका रिकॉम्बिनेशन होगा तो हमें और ज्यादा चीजें मिलेंगी। तो ये एक साइक्लिक क्रम है वो तो चलता रहेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली डॉक्टर प्रज्ञा, जो पहली लहर की बात, अब तो दूसरी लहर आई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो दूसरा डबल म्यूटेंट है B1617 दूसरी लहर के लिए ये म्यूटेंट डबल म्यूटेंट जिम्मेदार है? सो जो अभी आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जो अभी रिसेंट डेटा हमने बायरिक्स पे रिलीज किया है जिसमें हमने कुछ 598 जीनोम को इवेल्युएट किया और उसमें 273 जो थे वो B1617 थे। उसके अलावा उसमें 46 लिनेजेस और प्रेजेंट थे, यूके वेरिएंट था। बट ये जो रेशियो महाराष्ट्र में हमने देखा, क्योंकि महाराष्ट्र में सर्च बहुत तेजी से हुआ और ऐसा अनुमान है कि यहाँ से जो जो ये वायरस है ये बाकी जगहों पे भी तेजी से फैल गया है, और ये एक टेंडेंसी हम देख रहे हैं कि ये म्यूटेंट जो है बाकी म्यूटेंट्स को रिप्लेस करके प्रीडोमिनेंट फेज में आ रहा है। तो इवन जो बहुत सारे बीच में हमें ब्रेक थ्रू केसेस भी डिटेक्ट किए वहाँ पर इसका ही प्रेजेंस पाया जा रहा है। तो अभी जो एक रिसेंट डेटा इंसाकॉग ने एक्युमुलेटिव रिलीज किया है उसमें 1877 यूके के सीक्वेंसेस हैं, यूके वेरिएंट के सीक्वेंस हैं, और 1527 जो ये B1617 के सीक्वेंसेस हैं। तो ऐसा लगता है कि ये दो वेरिएंट जो है हमारी देश में तेजी से फैल रहे हैं और वो प्रीडोमिनेंट हो रहे हैं एक्चुअली मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न स्टेट में और महाराष्ट्र में, और इसका जो रेशियो है शायद वो चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम, बट अभी के समय पे इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर शैलेंद्र, क्या आप ये मानते हैं कि जो संक्रमण की तेज दर है, मृत्यु दर है, गंभीर लक्षण वाले जो मरीज हैं जिनके अनुपात में वृद्धि हमें देखी है पिछले म्यूटेंट के कंपैरिजन में, लेकिन जो डबल म्यूटेंट आया है इसे लेकर ये जो चीजें हो रही हैं इसके पीछे दरअसल ये कारण है या और भी जो वेरिएंट जिसका जिक्र डॉक्टर प्रज्ञा कर रही थी, इसे लेकर और रिसर्च की जरूरत है और काफी हद तक बहुत सारे रिसर्च अभी चल रहे हैं, इस पर स्टडी चल रही है? बिल्कुल, बहुत सारी रिसर्च की भी जरूरत है। जैसा कि
शुरुआत में डॉक्टर प्रज्ञा ने बताया था कि रिकॉम्बिनेशन तो होते ही रहेंगे और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम लोगों को हमेशा वायरसेस सीक्वेंस करने ही पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि किस किस सीक्वेंसेस का क्या इम्पोर्टेंस है। और ये इतना आसान नहीं होता है क्योंकि पहले तो आपको सीक्वेंसिंग करना है। सबसे पहले तो जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है तो हमारे लिए तो प्राइमरी यही होता है कि हम उसकी जान बचाएं, और ये सारा डेटा जैसे ही हो तो उसको रिपोर्ट जितनी जल्दी से जल्दी हो सके दें। उसके बाद इतना हमारे पास आरएनए हो कि हम उसको सीडीएनए बना के सीक्वेंस कर पाए, और सीक्वेंसिंग के बाद जो म्यूटेशंस मिले उनको हम बायोलॉजिकली फिर वैलिडेट करें इन डिफरेंट सेल कल्चर मॉडल्स। तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान काम नहीं है, काफी टीडियस काम है, काफी लेबोरियस काम है और काफी मेहनत करनी पड़ती है। ये कहना बड़ा आसान है कि 1% सीक्वेंसेस होने चाहिए जैसा कि वर्ल्ड वाइड एक नॉर्म बना हुआ है, लेकिन फिर भी 1% सीक्वेंसिंग डेटा पर डे इज अ वेरी वेरी ह्यूज टास्क फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। बहुत सारा काम की जरूरत है रोज, तो ये तो होता ही रहेगा। बहुत बिल्कुल, ही ये इम्पोर्टेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसे लगातार करने की जरूरत भी है। और जैसे कि परिस्थितियां हैं, जैसे कि अलग अलग म्यूटेशन और वेरिएंट आ रहे हैं, ये रिसर्च तो चलता रहेगा। डॉक्टर प्रज्ञा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये सवाल जो मेरे जहन में भी है और तमाम लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जो डबल म्यूटेंट है, नए स्ट्रेन आ रहे हैं, नए वेरियंट आ रहे हैं, तो जो हमारी वैक्सीन है, जो लोगों ने लगवा ली है या जो लोग लगवा रहे हैं, क्या वो उतनी कारगर है इन नए स्ट्रेन्स पे, नए म्यूटेशंस वाले नए वेरिएंट्स पे? तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये जो म्यूटेंट है या जो भी स्ट्रेन है, मैं आपको एक रिसेंटली एक एग्जांपल देती हूँ कि हम बहुत टाइम से साउथ अफ्रीका वायरस का आइसोलेशन करने की कोशिश कर रहे थे, और वो जो जो ट्रैवलर साउथ अफ्रीका से आ रहे थे हम उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, बट जो फाइनली हमें आइसोलेशन मिला वो यूएई के ट्रैवलर से मिले। इससे ये पता चलता है कि सारी दुनिया में ये जो डिफरेंट वेरिएंट है वो इंटरमिक्स हो गए। कौन सा ट्रैवलर किस कंट्री से किसको लेके जाएगा वो बताना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सभी लोग सारी वैक्सीन के प्रति बहुत जागरूक हैं। और अभी पिछले हफ्ते ही व्हाइट हाउस में डॉक्टर फॉची ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसपे उन्होंने जितने भी मेन बीओसी हैं और जितने भी व्यू आई हैं उनके ऊपर प्रेजेंटेशन करके बताया। वो बहुत ही एक अच्छा, उन्होंने एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनाया आम जनता के लिए कि जो भी वैक्सीन एग्जिस्ट करती है वो जरूर प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ हद तक देती ही है। और हमारी कंट्री में चूंकि जनवरी में जो हमारा वैक्सीन प्रोग्राम रोल आउट हुआ उसमें दो मेन वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया हमारी कंट्री ने, एक तो इंडिजिनियस भारत बायोटेक और आईसीएमआर की वैक्सीन, और दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट ने जो हमारी कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। ये दोनों ही वैक्सीन के ऊपर काफी सारा रिसर्च हुआ है, बहुत सारे साइंटिफिक पेपर भी पब्लिश हुए हैं। और जैसे ही ये B.1.617 इंट्रोड्यूस हुआ उसका इमिडिएटली हम लोगों ने वायरस आइसोलेट करके क्लिनिकल सैंपल से, और जो वैक्सीन के रेसिपिएंट थे और साथ में जो कोविड के रिकवर्ड केसेस थे उनका जो सिरा था ले करके और स्टडी करके देखा कि ये जो जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है जिससे हम ये प्रूव कर पाते हैं कि हम उस वायरस के अगेंस्ट डिफेंड कर पाएगी एंटीबॉडी की नहीं, उसमें हमने देखा कि जो वैक्सीनीज के सिरा थे और जो रिकवर्ड केसेस के सिरा थे वो दोनों ने ही बहुत अच्छा रिएक्टिविटी दिया, लेकिन जो वैक्सीनेटेड जो इंडिविजुअल्स थे उनका जो टाइटर था वो हाई था। और इससे ये पता चल, इसके पहले भी हमने यूके वेरिएंट के साथ और ब्राजील वेरिएंट के साथ भी सिमिलर डेटा देखा है कि वो काफी अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आज के टाइम में जब केसेस बढ़ रहे हैं और हम लोग इतना सफर कर रहे हैं एज ए कंट्री, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस वैक्सीन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। और जो भी हेजिटेशन है, और इसको काफी सारी स्टडी करके लाया गया है, इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं, तो इससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि यदि हमें सच में इस बीमारी से मुक्ति पानी है जिसकी वजह से आज सभी लोग सफर कर रहे हैं, जो हेल्थ वाइज तो सफर कर रहे हैं, इकोनॉमी सफर करी, उससे भी ज्यादा जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज, उनका कैरियर, उनकी पढ़ाई, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सभी को सफर करी, तो एज ए कंट्री, एज ए सिटीजन, और जब तक हम सारे लोग साथ मिल करके इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और जो वो तीन मूल मंत्र है इस बीमारी से लड़ने के लिए कि हमको मास्क लगाना है, हमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, और हमें कोविड के प्रति जो बिहेवियर है वो फॉलो करना है, जब तक हम ये तीन चीजें नहीं करेंगे हमारे देश से ये डिजीज नहीं जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन वेरिएंट का नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम कैसे वो सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करें। और ये बहुत ही प्रूवन तरीका है कि यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाते हैं
तो कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं है जो उसको क्रॉस करके आपको इन्फेक्ट कर देगा। तो ये जो मूल मंत्र है, जब तक हमारे देश के सभी लोग नहीं समझेंगे और उसको ये मान के नहीं चलेंगे कि हाँ हमें इस बीमारी से इस देश को मुक्ति दिलानी है, तब तक ये खत्म नहीं हो सकती है और ये इसके बिना ये हो भी नहीं सकता जब तक सभी अपना एफर्ट्स इसमें नहीं लगाएंगे। तो ये मेरा एक मेन सोच है। जहां तक जो ऐसा कि आपने भी कहा कि जन भागीदारी बहुत जरूरी है कि वो दरअसल कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसका हिस्सा बने। और जैसा कि आपने कहा कि भले कई वेरिएंट्स आए, नए स्ट्रेन आए, लेकिन जो कोविड 19 के प्रोटोकॉल हैं बेसिक्स, उसे आपको हर हाल में फॉलो करना ही है। वेरिएंट्स कोई भी हो, आपका बचाव होगा और वैक्सीन, जिसे हम एक बड़ा हथियार मान रहे हैं, वैक्सीन ड्राइव का हिस्सा आपको बनना है और औरों को प्रेरित करना है जो इसको लेकर कहीं ना कहीं भ्रम में है। प्रोफेसर शैलेंद्र, वैक्सीनेशन को ही लेकर मैं आपके पास भी आना चाहूंगी, क्योंकि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं और हम देख रहे हैं कि रूरल इंडिया जो है, ग्रामीण भारत, अभी भी वैक्सीनेशन से दूर है क्योंकि वो दरअसल अभी उनका वो विश्वास नहीं जागा है। और अब चूंकि डबल म्यूटेंट, नए स्ट्रेन, तो लोगों में मन में तमाम तरह के सवाल आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों ही वैक्सीन्स जो हमारे देश में हैं बहुत ही अच्छी हैं, सुरक्षित हैं और सेफ हैं। बहुत सारे लोगों का बीच में ये हो रहा था कि हमने वैक्सीन लगवाया है और हम फिर भी पॉजिटिव हो गए हैं, तो फिर फायदा क्या है वैक्सीन लगवाने का। एक चीज समझ में आनी चाहिए कि दो तरह की वैक्सीन होती है, या ये कि ये किसी भी वैक्सीन के दो काम होते हैं, एक तो ये कि डिजीज को रोकना और एक ये है डिजीज की सीवियरिटी को रोकना। हमारी जो वैक्सीन अभी हमारे देश में हैं या पूरे विश्व में भी जो खास वैक्सीन हैं, वो सारी की सारी वैक्सीन डिजीज सीवियरिटी को 85 से 90% तक रोक रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाया है तो कम से कम ये होगा कि आपको एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हो सकता है कि बहुत गंभीर इलाज की जरूरत ना पड़े, हो सकता है आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत ना पड़े और आप घर में ही ठीक हो जाएं, जैसे कि नॉर्मल कॉमन फ्लू में हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं तो वैक्सीन क्यों लगवाना है, इसलिए वैक्सीन लगवाना है। अगर वैक्सीन नहीं लगवाते तो शायद आपको जो 2% लोग जो बहुत गंभीर बीमारियों के साथ आ रहे हैं या जो कि जिनकी मृत्यु हो जा रही है, उन 2% में शायद आपका नंबर हो सकता है। तो इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल ये था कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा अच्छी है, इस पे बहुत लोगों की चर्चाएं चल रही हैं। दोनों ही वैक्सीन बहुत अच्छी हैं। आपके सेंटर पे जो भी वैक्सीन मिले प्लीज उसको लगवा लें बिना सोचे समझे। तीसरा एक बड़ी भ्रांति है कि भाई हमारे देश में बूफे खाने का सिस्टम है, तो पहली बार कोविशील्ड लगवा लें और दोबारा में कोवैक्सीन लगवा लें, या वाइसी वर्सा, पहली बार में कोवैक्सीन लगवा लें और दोबारा में कोविशील्ड लगवा दें। एंड आपको यकीन नहीं होगा, बड़े बड़े प्रोफेसर्स मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो कृपया करके यहाँ पे बूफे ना खाएं, आपने जो वैक्सीन पहली लगवाई थी दूसरी वैक्सीन वही लगवाएं, क्योंकि दोनों के प्लेटफॉर्म अलग हैं, दोनों के बनाने के तरीके अलग हैं, इसलिए दोनों के काम करने का सिस्टम अलग है। तो कृपया इस चक्कर में ना पड़े कि हम इस बार ये लगवा लेंगे, इस बार वो लगवा लेंगे। तीसरा चीज जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही वैक्सीन के अंतराल क्या हो। ऑफ कोर्स कोवैक्सीन 4 हफ्ते के अंतराल पे लगनी है और कोविशील्ड जो है वो हम लोग 6 से 12 हफ्ते के बीच में या 6 से 8 हफ्ते के बीच में सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप पॉजिटिव हैं तो कृपया जब आप पॉजिटिव होने के बाद निगेटिव हो जाएं उसके 4 हफ्ते बाद ही वैक्सीन लगवाएं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोगों की हालत ड्यूरिंग वैक्सीनाइजेशन, अगर उन्होंने वैक्सीन बीमारी के समय अगर उन्होंने वैक्सीन लगवा ली तो उनकी हालत खराब ज्यादा हो रही है। एक चीज और भी बहुत ध्यान रखने की है, लेट से आपकी पहली वैक्सीन पहली तारीख को लगी थी और 4 हफ्ते 28 तारीख को पूरे हो रहे हैं और 28 को आप लेट से पॉजिटिव हो गए हैं, तो मेक श्योर कि 28 तारीख के बाद फिर आपको एक हफ्ते, जब तक कि आप निगेटिव नहीं हो जाते उसके 4 हफ्ते बाद तक आपको वो वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। एक और भी बहुत चीज बहुत ध्यान रखने की है कि जब आप डोज लगवाएं, खासतौर पे पहली डोज, तो उसके बाद तुरंत घूमने ना निकल जाएं। बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद चलो आज तो मॉल चलते हैं, आज बाजार चलते हैं, आज हाट चलते हैं, क्योंकि वैक्सीन बनने में भी 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। तो उस समय में भी बहुत सारे लोग, तो अधिकतर लोग जो वैक्सीन लगने के बाद पॉजिटिव हुए थे वो अधिकतर वही लोग थे जिन्होंने वैक्सीन लगवाया और उसके अगले 4 दिन 5 दिन के अंदर वो घूमने चल दिए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था। तो मेक श्योर कि ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने की हैं। ऑफ कोर्स 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथों को धोना और
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो वैक्सीन के साथ लोगों को ध्यान। वैक्सीनेशन को लेकर मुझे लगता है लोगों के मन में जो भी सवाल थे, जो भ्रांतियां थी, बहुत ही विस्तार से आपने सभी सवालों का जवाब दिया है और कोई शक मुझे लगता है आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। और वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है, आप इससे चूके ना, वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा खुद भी बने, अपने सगे संबंधियों को बनाए और उन लोगों को भी बताएं कि वैक्सीनेशन का हिस्सा बन के ही हम कोरोना के खिलाफ की जो लड़ाई है उसकी जंग को जीतेंगे। डॉक्टर प्रज्ञा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी इस डबल म्यूटेंट के बीच एक और बड़ी चर्चा जो कि तीसरी लहर को लेकर हो रही है, अब उसकी भी आशंका जताई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि संभावना पूरी है कि हम तीसरी लहर की चपेट में आए। चूंकि आप कह रही हैं बार बार कि अगर लोग ही अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे तो हम इस तरह की तमाम लहरों को रोक नहीं सकते, मैं चाहूंगी कि आप इस पर अपना टेक दें। सो अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में सभी देश इन्फेक्टेड हैं और बहुत सारे देशों में सेकेंड वेव भी सभी लोगों ने देखा और उसको डील कर रहे हैं, लेकिन बाकी देशों में जो सेकेंड वेव आई पहले से काफ़ी कम थी लोगों में, क्योंकि लोगों ने वैक्सीन लगा ली थी या लोग काफ़ी अलर्ट थे और उनके यहाँ इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं हुई जो हमारे देश में हुई। और उसका मेन रीज़न हमें सभी को पता है कि दिसंबर में जब हमारे देश में केसेस कम हो गए थे, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे जीरो केसेस हो गए थे और फिर जैसा कि शैलेश जी ने भी एक्सप्लेन किया कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और एकदम से सभी लोगों ने ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया, इस तरह लगा कि पैंडमिक खत्म हो गई है और उस बिहेवियर की वजह से और बहुत सारी जो हमने एक्यूमुलेटिव मिस्टेक की एज ए नेशन मैं कह सकती हूँ, उसकी मिस्टेक की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और ये पैंडमिक तब तक ख़त्म नहीं होगा और जहाँ तक वेव की बात है या लहर की बात है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों को और हमारे परिवार को एक अच्छा स्वस्थ फ्यूचर देना चाहते हैं या हम बहुत सारी ऐसी अलग अलग वेव बनाना चाहते हैं। तो ये जो वेव बनाने की प्रक्रिया है इसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए जनता रिस्पॉन्सिबल है और लोग रिस्पॉन्सिबल है, सभी को अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है तभी हम थर्ड वेव नाम की चीज को रोक सकते हैं। फिलहाल तो अभी हम खुद ही बहुत ही मुश्किल टाइम में है सेकेंड वेव में, जो अभी टाइम लगेगा इसको डील करने में, खत्म करने में, पर शायद अभी भी अगर हम ये समझ जाए कि ये सारा जो दामोदर है ये पूरा लोगों के ऊपर है, क्योंकि वायरस एक बार निकल चुका है और लोगों के अंदर है, अब लोग कैसा बिहेव करेंगे उसी के हिसाब से ये मूव होता रहेगा। अगर हमने अभी भी सावधानी नहीं बरती, तीसरी नहीं चौथी नहीं, हम जितनी लहरें चाहें हमारे देश में कर सकते हैं और हम इससे आसानी से निजात नहीं पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर प्रज्ञा, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही कि दरअसल वेव जो है उसे लाने ना लाने का दारोमदार जो है वो हम पर ही है, आप पर है, लोगों पर है, जनता पर है, क्योंकि जो सावधानी, जो सचेत आपको बरतना है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको करना है, आपको मान के नहीं चलना है कि क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस खत्म नहीं हो रहा, वो कहीं नहीं जा रहा, हमें खुद ही अपना बचाव करना पड़ेगा और बचाव करने की तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको दिए गए हैं, आपको पता है। आप चूंकि कार्यक्रम अंतिम चरणों में है, वक्त की कमी भी है, प्रोफेसर शैलेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप एक क्लोजिंग कॉमेंट दें। बहुत ही सही बात कही इन्होंने कि जैसे जो जनता का एक बिहेवियर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी भी आप देखिए म्यूटेशन तो जैसे आपने पूछा कि क्या रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आप देखिए कि पिछले दिसंबर से जब हमारे केसेस घटने शुरू हुए थे कितने सारे रिलीजियस गैदरिंग्स चाहे किसी भी धर्म की हो उन लोगों की हुई, कितने सारे पॉलिटिकल मीटिंग्स, कितने सारे ऐसे जगहें जहां पर जो हमारे फार्मर्स एजिटेशन और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई जहां पर कि बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय तक लोग एक ही जगह पे इकट्ठे थे और किसी ने ये चिंता ही नहीं करी कि हम एक ऐसे समय में हैं जहां पर कि हम फिर से एक दूसरी लहर को एक प्रोवोक कर सकते हैं। और उसके बाद लोगों ने बहुत अच्छे से होली के समय अच्छे से होली भी मनाई इस बार कि सब कोरोना वोरोना सब खत्म हो गया है, तो देखिए उसका इम्पैक्ट हमें दूसरी लहर में मिल गया। और जैसा कि अभी प्रज्ञा ने कहा, अगर हम अभी भी नहीं सचेते तो 18 साल के ऊपर के कितने लोग हैं जो अभी वैक्सीन के लिए जा ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे। तो बहुत अब तो भारत सरकार ने 18 से लेकर सभी उम्र के लोगों को बोल दिया है कि वैक्सीन लगवाएं, जितनी जल्दी से जल्दी ये काम हो सकता है और जो भी वैक्सीन उन्हें मिल सकती है वो उसको लें और लगवाएं। तो ऑफकोर्स हम कम से कम सिर्फ
जीरो टू 18 वाला जो ग्रुप होगा उसके लिए हमें फिर सोचना होगा, 18 से ऊपर वालों को तो प्रोटेक्ट कर पाएंगे, एंड दैट विल बी अ मेजर चंक फॉर अस। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि लोग वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करें। बिल्कुल, दुनिया का जो सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है वो भारत में ही चल रहा है। 16 करोड़ के आसपास जो है वो लोगों को वैक्सीनेशन का हिस्सा बनाया जा चुका है, लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और ये जो बहुत तेज गति से चल रहा है, जरूरत है लोग इसका हिस्सा बने। और जैसा कि डॉक्टर प्रज्ञा ने कहा, प्रोफेसर शैलेंद्र ने कहा कि दरअसल कोरोना को रोकना और उसको हटाना, उससे लड़ाई करना, इसके जो हथियार है वो आपके अपने पास है। कोविड-19 के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है हर हाल में उनका पालन करें, निश्चित रूप से हम ये जो जंग है कोरोना के खिलाफ उसमें विजयी होकर निकलेंगे। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद अमृता जी।